भारत ने संभाली G20 की अध्यक्षता। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी बधाई। पूरे एक साल तक G20 का प्रतिनिधित्व करेगा भारत। एलन मस्क ने शांति प्रस्ताव पर भड़के ज़ेलेंस्की। बोले यूक्रेन आओ और देखो रूस ने क्या किया, फिर बताना कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए। ड्रैगन की चालबाजी की खुली पोल। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने खोली चीन की पोल। कहा एलएसी के पास सेना की चौकी बनाकर भारत के खिलाफ रच रहा साजिश। ट्विटर के ऐप स्टोर से हटाना चाहता है एप्पल। आरोप लगाने वाले एलन मस्क 2 दिन बाद ही पलटे। कहा गलतफहमी दूर हो गई। यूरोपीय संघ ने कहा रूस की युद्ध अपराधों की जांच करे विशेष कोर्ट। रूस ने किया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। रूस के युद्ध अपराधों की जांच हो। सऊदी अरब के लिए युद्ध पोत बनाएगा स्पेन कंपनी। स्पेन और सऊदी के बीच हुआ अहम समझौता। स्पेन की कंपनी नवांतियों ने दी समझौते की जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कांग्रेस राम को नहीं मानती, मुझे गाली देने के लिए रावण को निकाल लाए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कमर तोड़ महंगाई से जनता हुई परेशान। जनता महंगाई से ध्वस्त, पीएम अपनी वसूली में मस्त। आफ्ताब का नार्कोटेक्स खत्म। 2 घंटे तक पूछताछ में किए गए सवाल। नार्कोटेक्स में आफ्ताब ने कबूला गुनाह। यूपी में मर्डर की शिकायत पर चूहे का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आई फेफड़े लीवर खराब थे, डूबने से नहीं हुई मौत। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर निज्जर ने पंजाबियों को कहा बेवकूफ। खुद को फंसाते देख मांगनी पड़ी माफी। जमींदारों को बताया आलसी। गुजरात में महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनोखा विरोध। अमरेली में साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर वोट डालने निकले कांग्रेस एमएलए परेश धनानी। गुजरात के पहले चरण में पड़े 59% मतदान। 19 जिलों की 79 विधानसभा सीटों में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। पंजाब में ईडी की छापेमारी। अकाली दल सुप्रीमो के करीबियों पर रेड। भूपिंदर सिंह काला के ठिकाने पर भी रेड। इंग्लैंड पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट मैच। इंग्लैंड ने 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पहले दिन बनाए 506 रन। इंग्लैंड ने तोड़ा 112 साल पुराना रिकॉर्ड।